हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से फ्रेंड बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि सहायक पद के रिजल्ट के रिगार्डिंग होने वाला है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, सीट से कितनी गुनी। ठीक है, देखिए ये आपका विज्ञापन संख्या 2/2019 का है, ठीक है, जो कि सहायक के पद पे आई थी वैकेंसी। और देखिए यहाँ पे कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा CBT का परीक्षाफल बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 2/2019 के आलोक में सहायक के कुल 31 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा CBT दिनांक 18/10/2019 से 19/10/2019 को आयोजित की गई थी। ठीक है, इस परीक्षा के आधार पर अगले चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों का अनुक्रमवार परीक्षा फल निम्नवत है। ठीक है, यानी कि ये आपका ये रिजल्ट रहा। ठीक है, देखिए फ्रेंड कितना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है मैं आपको दिखा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 11 पेज में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और फ्रेंड लास्ट में क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन भर्ती समय उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण कोटी लिंग निम्न तिथि इत्यादि के अंकित किए प्रविष्टियों के आधार पर ही उन्हें परीक्षा फल में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा CBT में मात्र सफलता प्राप्त होने से ही किसी अभ्यर्थी की अर्हता संपुष्ट नहीं होती है। ठीक है, सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा यानी कि कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा एवं 3 मुख्य परीक्षा वर्णात्मक एवं अंतिम परीक्षा फल की प्रक्रिया के किसी भी चरण में उन सभी अभ्यर्थियों की अर्हता की समीक्षा करने के उपरांत उस पर नियमानुसार यथोचित निर्णय लेने का अधिकार बिहार विधान परिषद सचिवालय के पास सुरक्षित है। और यहाँ पे देखिए 3 में क्या कहा गया है कि उपर्युक्त परीक्षा में सहायक के 31 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है तो दिनांक 18/10/2019 एवं 19/10/2019 को आयोजित प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाली सभी कोटियों में मिलाकर कुल 3325, ठीक है, अब परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है। कहने का मतलब फ्रेंड, जो वैकेंसी था आपका मात्र 31 सीट था। ठीक है, लेकिन इन्होंने मतलब जारी किया होगा कि न्यूनतम कट ऑफ है ना, ऑल कैटेगरी का जारी किया होगा कि जैसे कि 40% 60% होता है ना, तो वो कट ऑफ को जो भी कैंडिडेट पार किए होंगे उनका रिजल्ट इसमें आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने 3325 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है जो कि PT क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, और ये लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जाएंगे जो कि CBT होगा, ये कंप्यूटर टेस्ट होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड कि अगले चरण की परीक्षा के कार्यक्रम संबंध सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सूचना अलग से प्रकाशन किया जाएगा जिसे बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु बिहार विधान परिषद की वेबसाइट www.biharvidhanparishad.government.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रेंड जिनका भी रिजल्ट आया है उन्हें अब टाइपिंग पर पूरा जी जान लगा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे मात्र सीट कितनी है, 31 है और 3325 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, तो फ्रेंड सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।